ये निखिल मुझे पकड़वा के ही छोड़ेगा। अगर वो शोर से फिट आ जाती तो बुलबुल की मेहंदी में मेरी विदाई हो जाती। और ये कुछ समझ रहे को? रिलैक्स रिलैक्स। जानता था कि मेरे बिना तुम तड़प रही थी, लेकिन आई रियली थिंक यू फॉलिंग इन लव विद मी। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम बचे कैसे? मैं बच इसलिए गया क्योंकि मेरा दिल तो बड़ा है, दिमाग भी उतना ही बड़ा है। जब वो इंसिस्ट कर रही थी कि जूता पहनो, तो मौका देखते ही मैंने। प्रज्ञा बेटा, अब आई दादी। बेटा बहादुर को बोल ये प्रसाद सब में बांटते। हाँ हाँ दादी, मैं अभी। चल, जूते में कैंडल थी तो पैर कैसे अंदर जाता है? सिंपल। पहली बार तुमने अपनी अकल तो यूज की ना, दूसरी बार पहली बार तुमसे जो मिला था। लेकिन आप तो मानोगी कि यार मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट होता ना, शादी क्यों नहीं कर लेती तुम? तुम्हारे एक स्मार्ट मूव से मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली। और तुम जिस मुसीबत से निकले हो ना, उसमें तुम खुद ही फंसे थे। और इससे पहले कोई और मुसीबत आ जाए, निकल जाओ यहाँ से। प्यार किया है तुमसे, मुश्किलें तो आएंगी, मगर उनसे दूर भाग कर मैं जाने वाला नहीं हूँ। यही रहूंगा तुम्हारे करीब तब तक जब तक तुम्हें प्यार नहीं हो जाता। और मेरा दिल कहता है कि तुम्हें बहुत जल्दी प्यार हो जाएगा और तुम शादी भी करोगी। रिलैक्स, सी यू अराउंड। और हाँ, ज्यादा मिस मत करना मुझे। वो क्या है कि जब तुम मुझे मिस करती हो ना, तो खिंचा चला आता हूँ तुम्हारे पास।